अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट नादिर खान। वेलकम टू माय चैनल पिजन लाइफस्टाइल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सब खुशामदीद कहता हूं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आमिर खान साहब की छत पर मौजूद हैं, तो उनसे मिलेंगे और उनका मीटिंग सेटअप आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं, और उनके कुछ मित्रों का भी शौक करेंगे, उनसे कुछ अहम सवाल करेंगे ब्रीडिंग के मुतालिक। और ये हाल ही में उस्ताद हुए हैं, इनको उस्ताद की पग मिली है, तो इनसे बात करते चले आए जी। और आपका शौक कब से बढ़ा है, और आपके कबूतर जो है हसीन डैडी के नाम से बड़े मशहूर हैं, तो ये कबूतर आपके पास कब से मौजूद है और आपको कबूतरों का कब से शौक पड़ा है? जी शौक तो मुझे बचपन से ही है, क्योंकि जैसे वो उस्मानी है कबूतर, क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी शौक था, मेरे चाचू ने उनको भी शौक था, तो मेरे नाना थे उनको भी शौक था, तो शौक तकरीबन मुझे बचपन से ही है। और जो टैरिफ की बात है, ये तकरीबन कोई लगभग अब मुझे याद नहीं है, तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, या 12 साल हुए होंगे या 10 साल हुए होंगे, यानी कि इसके इर्द गिर्द है जितना अर्सा हुआ मैंने टैडी रखे हुए हैं और टैडियों पे काम कर रहा हूँ। जो हसीन टैडी हैं जिनका आपने जिक्र किया, मेरे हसीन टैडी हैं, हसीन टैडी के नाम से जाने जाते हैं, वो टैडी तकरीबन मुतारफ करवाते हुए तकरीबन मुझे कुछ 6 साल या 5 साल हो गए, इतने ही हुए होंगे या इससे थोड़े ज़्यादा हुए होंगे। जो हसीन टैडी के नाम से बाद में जब मैंने ब्रीडिंग काम स्टार्ट किया, ब्रीड करवाई, जब मैंने देखा कि मेरे पास ब्रीड बनी है, तो फिर मैंने उनको नाम दिया हसीन टैडी। जब मैंने नाम दिया तो आपको भी पता है, जब इंसान नया नया एक फील्ड में और एक ऊपर आता है, तो हर कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ बुरा देते हैं, तो उस पर कुछ लोग अजीब से रिस्पॉन्स, तो मुझे मैंने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि मैंने एक बुजुर्ग का कोर्स सुना था कि जब कोई मुझे बल्कि के उस्तादी ने मुझे कहा था, मेरे जो टीचर थे स्कूल वाले, वो कह रहे थे कि आप यानी कि कोई पीछे कहते हैं कुत्ता भौंकता है, अगर कोई कुत्ता पीछे से भौंकेगा ना, तो आपने उसे पत्थर मार के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने सीधा निकलेगा, क्योंकि अगर आप पत्थर उठाएंगे उसे मारेंगे वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और आपके पास अपना टाइम होना नहीं चाहिए। तो यकीन करें वो जो बचपन की उस्तादी ने बात की थी टीचर ने मेरे, वो मेरे जेहन में लिखी, मैंने कहा यार कभी किसी को गलत रिस्पॉन्स नहीं देना और कभी किसी को कुछ नहीं देना। तो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता 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 आज फिर अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अपने हसीन टैडी के नाम से एक फील्ड है, लोग उसे मारते हैं और अच्छे अच्छे शौकीन आके मुझसे लेके जाते हैं, बच्चे पक्के बड़े पीस लेके जाते हैं, क्योंकि नाम ही लेना चाहता, बहुत अच्छे अच्छे शौकीन हैं, बड़े बड़े शौकीन हैं, वो आते हैं मुझसे, कई मतलब बच्चे लेके गए, बड़े पीस लेके गए, अच्छी पेमेंट में लेके गए, तो माशाल्लाह फिर अल्लाह ने एक सिलसिला चलाया और मेरे वालिद साहब की दुआएँ, तो अल्लाह पाक उनको बख्शे, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह पाक के खास करम है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी ब्रीड बना के दी है, और उसके बाद माशाल्लाह मेरा ये ब्रीड बन गई और सी पैडी के नाम से भी सही हो गया। दूसरा आमिर भाई, आपके इतने कबूतर फिट हैं और इतने मेंटेन आपने किए हैं, क्या ये एक ही बैड ब्लड लाइन है या आपने इनमें मेंटेन करने के लिए दूसरी ब्लड लाइन के कबूतर मारे? नहीं, अभी तक तो इनमें कोई और ब्लड नहीं था, तो क्योंकि अभी तक मैंने असल में पिछले ये, चूँकि सबको तकरीबन पता है, मैंने कोई 5 साल मानसिला में गुजारे, 5 साल या 6 साल मैंने मानसिला में गुजारे, तो वहाँ इस लेवल का शौक नहीं था, और यानी कि इस लेवल का शौक की भी किसी को इतना आइलम ही नहीं था, तो वहाँ मैंने गुजारे, तो वो मैंने वही ब्रीड चलाई है, ये इतना सा यानी 5 साल तक वही ब्रीड चलती रही है, उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हूँ, मुझे साल हो गए हैं, तो साल हो गया है माशाल्लाह, तो इस साल में मैंने एक, जैसे आपको भी पता है और कई दोस्तों को पता है, मैंने 11 लाख के बर्ड्स परचेज किए थे। हाँ जी, वो अभी मैंने परचेज किए 2 महीने हो गए उसको, इस बात को वो बर्ड अब मैंने इनमें डाले हैं। वैसे मेरे पास जो है एक ब्रीड मैंने उसमें, यानी कि मेरे घर का पट्टा था जो 1.5 लाख वाली मेरी ब्रीड है, वो ब्रीड मेरा एक दोस्त है, वो वाकेंट इधर कैंट में रहता है, आजम नाम है उसका, वो उससे ना मेरा छोटा भाई है, वो एक पट्टी लेके आया था, मादी लेके आया था, तो वो मादी फिर हमने, मैंने उसे अपने घर का पट्टा भेजा और वो उसने पेड़ लगाया जो 1.5 लाख वाली स्टोरी है उस पेड़ ब्रीड के लिए, तो वो पट्टा जब मेरे घर का लगा सीन कैडी,
और मादी वो लगी, उसके बाद वो मादी जो है उस्ताद अकरम मक्की साहब मेरे उस्ताद हैं और जो सब जानते हैं उनको माशाल्लाह मेरी किंग है, उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ये मादी फ्री है तो मैं ले लेता हूँ। मैं कहा उस्ताद जी आपसे अच्छी होगी, मैंने वो उस्ताद जी को ली और उस पट्ठे के साथ मेरे भाई ने तकरीबन कोई चार क्लच ली, चार क्लच में उसने मुझे एक पट्टी भेज दी बकाया उसके पास, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता एक्सपायर हो गए थे जैसे जो, तो वो फिर एक पट्टी मेरे पास आई, बच्चा आया वो बड़ा हुआ माशाल्लाह, फिर उसको मैंने अपने सिंटेरियम में डाला तो उनके आगे जो बच्चे आते थे उसके आगे मैं लिखता था 1.5 लाख का, तो वो 1.5 लाख से बड़ी मशहूर हुई और अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितने भी लोग मुझसे मांगते हैं तो वो मेरी दो ब्रीडें बहुत मशहूर है, एक 1.5 लाख वाली है और एक 1.5 लाख वाली है, तो वो 1.5 लाख वाली ब्रीड पर मुझे तकरीबन एडवांस बुकिंग के लोग मुझे कहते हैं खान साहब इसके बच्चे लेंगे, क्योंकि उनका स्टैंड, उनकी इनके फर्क उमदा, उनकी खूबसूरती, उनकी हाइट, उनकी गर्दनें, वो जो बंदा देख लेता है वो अट्रैक्ट करता है, वो बच्चा भी मैं छोड़ देता हूँ लोग इनके चीन को अट्रैक्ट करते हैं, तो माशाल्लाह वो ब्रीड ऐसे बनी है कि उस ब्रीड से माशाल्लाह चल सो चल। अब मैंने दो महीने पहले 11 लाख के बर्ड्स लिए, हालांकि मेरे बड़े दोस्तों ने मुझे इस बात पे मना भी किया कि यार इतने पैसे आप लगा रहे हैं 11 लाख के आपने बर्ड्स लिए क्यों लिए, तो मैंने उन्हें कहा यार इतने अरसे से मेरे घर की एक ब्रीड चल रही है तो वो जो है ना उनको मेनटेन रखने के लिए उनको बायर का पर्स ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कबूतर ऐसी चीज़ है कोई भी चीज़ इनको जब तक आप बायर का ऊन नहीं देंगे तो इनका ना जीन्स इनकी कमज़ोर हो जाती है और ये फिर ना वो जिसे हम हंसा भी कहते हैं तो ये फिर ना चूल्हे तोड़ के बच्चे निकालने शुरू कर देते हैं, लंबी हड्डी के, छोटी हड्डी के, छोटे छोटे बच्चे, कुंडे खराब, और ये फिर बड़े गुस्सा आ जाते हैं और उड़ने के वो काबिल नहीं रहते थे, तो ये सीन होता है। फिर मैंने वो 11 लाख के मैंने अपने दोस्तों को समझाया कि आप मुझे कह रहे हैं कि ये आदमी क्यों इतने पैसे खर्चे, इंशाल्लाह मैंने कहा आप 6 महीने बाद जब रिजल्ट देखेंगे आप मुझे कहेंगे वाकई आमिर भाई आपकी सोच जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो वो माशाल्लाह अब वो कबूतर मैंने लगाया, बच्चा एक आया है मैं इंशाल्लाह शो भी करवाऊँगा, वो बच्चा मैंने अपने दोस्त को भेजा है, उसने देखा उसने कहा वाकई आमिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो कबूतर को मेनटेन रखने के लिए आपने बारिश से यानी कि कुछ पीढ़ियों में जाके आपने बारिश से पर लाजमी डालना है उनको जरा मेनटेन रखने, बाहर का पर डाल के बेशक फिर निकाल दें क्योंकि वो खून उसका चेंज हो जाता है, जब एक मरतब आप उसे यानी बच्चे ले लेते हैं फिर अगर आप दोबारा अपने वाले डाल देते हैं उनका खून चेंज हो जाता है, वो ब्लड चेंज हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने वो परिंदे लिए और अब अल्लाह का शुक्र है जो 11 लाख की मैंने परचेजिंग की मुझे लिए, पीछे सारे कबूतर यही है और जो मेरे दूसरे कबूतर हैं जो मेरे असीम कहनी है वो मेरे दूसरे सेटअप में लगे हुए हैं। तो आज हमें आप कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं अपने, और मैं इंशाल्लाह आपको अपनी 1.5 लाख वाली ब्रीड का शौक करवाऊंगा क्योंकि मुझे बेहद पसंद है। तो 11 लाख वाली ब्रीड का भी शौक करूँ करवाइए जी, 11 लाख वाले मेरे पीछे हैं, 11 लाख वाले में असल में देखें अब आप ये चीज़ें देखते हैं आप 100% उसमें नफ़ा का नहीं सोचते, आप ऐसी चीज़ लेते हैं कि आप सोच के लेते हैं कि ये चीज़ मेरे काम की है इसमें, ठीक है ना। अब वो मैंने 11 लाख के तो लिए हैं पर उसमें वो मुझे तकरीबन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गए और यकीन जाने उसमें मैंने 6,000-7,000 रुपये और 3,000 रुपये का पीस भी सेल कर दिया, जो उसमें नॉर्मल बर्ड्स थे जो मैंने देखा मेरे किसी काम के नहीं थे वो मैंने यानी कि सस्ते दे दिए, वो मैंने निकाल दिए क्योंकि मैं मेरा एक शौक है। मैं ये मिसाल अपने दोस्तों को भी देता हूँ, अक्सर रिश्ते भी मुझे कहते हैं कि आमिर भाई आपका क्या ख्याल है, तो मैं अपने दोस्तों को और इनको भी मशवरा देता हूँ कि अगर आप 100 कुत्ते पालने हैं ठीक है तो 100 कुत्ते पालने तो उनसे बेहतर है आप एक शेर पाल, तो एक शेर जो है ना उसका अपना ही एक मज़ा है, तो यही मेरा भी मकसद है, मेरा मिशन यही होता है कि मेरे पास ब्रीड अच्छी से अच्छी है, तो मैं आपको इंशाल्लाह भी अपनी 1.5 लाख वाली ब्रीड का भी वो शो करवा दूँ और फिर इंशाल्लाह पीछे ही है। तो आप हाल ही में आपने उस्तादी पाक भी लिया है तो आप उसके बारे में बताना चाहें जी। उस्तादी पाक तो माशाल्लाह मेरे उस्ताद को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे और उनको सदा सलामत रखे और अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की कामयाबी दें, क्योंकि उस्ताद जी का मेरे साथ बहुत ज़्यादा इख्तियार है और यानी कि मेरे साथ उनका बहुत ज़्यादा, मैं अभी साल इधर आऊँ तो मैंने उस्ताद जी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत दुनियावी बातें सीखी हैं, बहुत मैंने कबूतरों के बारे में सुनी
यानी कि उस्ताद जी मुझे अक्सर यही कहते हैं, मुझे कहते हैं बेटा ये चीज़ ऐसे करना, ये चीज़ ऐसे करना। और एक बात जो बुजुर्ग होते हैं उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिस चीज़ के बारे में वो मुझे कहते हैं ये बात ऐसी है तो यकीन जाने वो कन्फर्म वैसी होती है। तो मैं अक्सर उस्ताद जी को कहता हूँ उस्ताद जी किसी के बुजुर्ग ही हो, किसी ऐसी गल कर लेते हो जो वो गल पूरी हो जाती है। तो वो माशाल्लाह मेरे उस्ताद जी ने मुझे कहा कि आप इस लायक हो कि मैं आपको उस्तादी पढ़ दे दूँ, आप उस्ताद हो गया, क्योंकि मेडिसन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे तकरीबन उस पर उबूर है, और पर कुंदा कबूतर हर चीज़ को उस्ताद जी ने मुझे बताई हुई है फ्लैग वालों की ये ऐसे होना चाहिए, वो ये काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया। तो चले दोस्तों अब आमिर खान साहब के कुछ वीडियो दूसरों में शॉट करते हैं, और 1.5 लाख रुपये का शॉट बनाए और साथ ही 11 लाख रुपये का भी शॉट बनाए। जी ये 1.5 लाख वाली की पट्टी है, इसे हल्का सा पुराना लगवा, ये देखें आंख क्लियर नहीं आ रही, ये कौन सी ब्रीड है अमर भाई आपकी? ये 1.5 लाख वाली की पट्टी है, पट्टे तो आपको मैंने दूसरी वीडियो में दिखा दिए, ये पट्टी है, इसका पार चेक करवाएं। क्या बात, बहुत खूब, दूसरी साइड का फोटो चेक, माशाल्लाह बहुत, ये देखिए जी दोस्तों देखें बिल्कुल वन टेल है, हालांकि इसकी नोक देखें, असल में इन कबूतरों में ना टेल उसका इतना नहीं होता, ज़्यादा नोक और आँख कलर पे होता है, इसको लकवा हो गया था बचपन में तो इसकी आँखें बिल्कुल मकोई हो गई थी, तो अब माशाल्लाह इसने दोबारा साफ़ कर लिए, तो इसकी नोक देखें आप माशाल्लाह। इसको छोड़ कर भी आपको शौक कराते हैं दोस्तों, दूसरा लाओ जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये 1.5 लाख वाली ब्रीड है, माशाल्लाह बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी आमिर भाई, ये कौन सी ब्रीड है आपकी? ये हसीन टेडी है, ये क्रीम आंख की मादी है, फुल कलर फुल है, बारीक लंबी नोक की, इसका कलर देखें माशाल्लाह बहुत, आप ज़रा पीछे के नीचे देखें, इसका पार का शौक करें, फ्रीज में लगे हुए जानवर असल में पार सर अरे ख़राब हुए, इस दफ़ा फ्रीज भी काफ़ी लंबी हो गई है, ये देखें इसको छोड़ के दिखाते हैं, बस छोड़ो, जी दोस्तों ये देखें जी, ये 1.5 लाख वाला पट्टा है, ये 1.5 लाख वाला पट्टा है जी आमिर आमिर भाई का, ये भाई है इनका उस 1.5 लाख वाली का, ये जो आपको पहले इससे पहले मादी दिखाई थी ये उसका भाई है, 10 पर का अभी पहले धागे में माशाल्लाह, क्रीज में पड़े हुए ना असल में कबूतर तो उसकी वजह से, माशाल्लाह बहुत खूब, इसको भी छोड़ के शौक करवाते हैं आप।
असल में हसीनी टेडियों में जो स्टैंड है ना ये लोग पसंद। आमिर भाई आप जो है ना 11 लाख ब्रीड वाली ब्रीड का शौक करवा दीजिएगा। जी ये बड़ी मादी है दोस्तों, ये 1.5 लाख वाली ब्रीड की, जिसकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि बच्चा आया था और बच्चा मैंने फिर पाला। ये सबसे बड़ी मादी है जी इनकी। इसको भी बचपन में जो वायरस पड़ गया था उसके बाद इसकी आंखें बिल्कुल मकोई हो गई थी, पर माशाल्लाह अब साफ़ हो गई, क्रीम आंखें माशाल्लाह जी। इसका पल्ला चेक करें माशाल्लाह, चेक करें जी, बहुत खूब माशाल्लाह। माँ में जो चीज़ है ना वही सब बच्चों में है, ये देखिए बिल्कुल सेम ब्लड लाइन चल रही है आगे भी माशाल्लाह। इसको छोड़ के शौक करवाते हैं। जी दोस्तों ये पट्ठे का शौक करें, ये देखें जी छोटे के शौक। दोस्तों इसका स्टैंड चेक करें माशाल्लाह जी, बहुत ही जी दोस्तों जो आमिर भाई ने फ़हीम साहब से 11 लाख के कबूतर ख़रीदे थे ये सारे वही कबूतर हैं, उसी की ब्लड लाइन है ये सारी। माशाल्लाह दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और लाइक किया करें। माशाल्लाह जी बहुत ही हसीन, काफ़ी मेहनत की है जी। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जी अपने दोस्त अपने भाई को इजाज़त दें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।